हेलो गाइस, आज हम जो प्रोडक्ट आपको दिखाने वाले हैं फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। ये हनी का ऑर्डर दिया था, आधा किलो हनी है इसमें और वो मुझे 75 का पड़ा है। पैकिंग तो अच्छी लग रही है, अंदर देखते हैं। प्योर हनी भी लिखा हुआ है इसमें, कुछ इनका अपना साइन है, 100% प्योर हनी गारंटेड लिखा हुआ है और झंडू प्योर लिखा हुआ है, तो ये झंडू वालों का है। मुझे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिला था, वो देख लेते हैं कैसा होगा। अभी मैंने एक अम्ब्रेला मंगवाई, उसका तो मुझे एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, वो तो मुझे रिटर्न में डालना पड़ेगा। ये देखते हैं, खाने पीने के प्रोडक्ट्स मैंने ज़्यादा नहीं मंगवाए हैं, तो इसकी पैकिंग देख लीजिए। पैकिंग तो अच्छी है, ग्लास बॉटल होगी ज़रूर, इसीलिए इतनी अच्छे से पैक करके इन्होंने दिया है। फूड पैकिंग ओके, दिस इज हनी, ये भी पैक्ड है। मुझे इसका ये नहीं पता इसकी रिटर्न पॉलिसी होती है या नहीं होती, फूड आइटम्स पे शायद रिटर्न पॉलिसी नहीं होती है। काफी टाइट है, ओके, काफी थिक लग रहा है। अभी इसका मैं वाटर टेस्ट करके देख लेती हूँ ये प्योर है या नहीं। देखो अगर प्योर होगा हनी, तो अगर हम हनी को वाटर में डालते हैं तो एकदम से मेल्ट नहीं होगा। अब देख लेते हैं, एज इट इज़ मतलब उसकी ड्रॉप होगी तो वो ड्रॉप ही रहनी चाहिए, तो वो प्योरिटी उसकी पता लग जाती है। अब ये फैल रहा है इसका मतलब ये प्योर नहीं है। प्योर हनी कभी भी ऐसे फैलता हुआ डिजोल्व होता हुआ दिखाई नहीं देगा। ये धीरे धीरे देखिए फैल रहा है और दूर दूर जा रहा है, तो ये प्योर नहीं है। इसमें मिक्सचर है, इसमें कुछ मात्रा हो सकती है हनी की हो, और इसमें लेकिन चाशनी भी है, नहीं तो वो ड्रॉप वाइज जैसे ही मैं डालती तो ये ड्रॉप एज इट इज रहती है इसकी। ये देखो आप, ये फैलती हुई नजर आ रही है, इसका मतलब ये प्योर हनी नहीं है।